नमस्कार दोस्तों, आप सबका कानपा एजुकेशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपने इस लेक्चर में हम यूपीएससी मेंस सॉल्यूशंस 2019 सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जनरल स्टडीज़ पेपर वन के क्वेश्चन नंबर 19 को एनालाइज करेंगे। और दोस्तों, हमारा जो ये क्वेश्चन है वो इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड है। देन लेट्स बिगिन आवर टॉपिक ऑफ टूडे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 से। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यह है कि कोई भी डायरेक्टिव वर्ड नहीं दिया गया, सिंपल पूछा गया है व्हाट। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो जाता है ये, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो यहाँ पर कहा गया है व्हाट आर द कंटिन्यूड चैलेंजेस फॉर वुमन इन इंडिया अगेंस्ट टाइम एंड स्पेस। सबसे इम्पॉर्टेंट जो कीवर्ड है यहाँ पर, टाइम एंड स्पेस का मतलब समझना है कि महिलाओं का एक तरीके से कैसे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि उनको पुरुषों जितना सोसाइटी में टाइम नहीं मिल रहा है या स्पेस नहीं मिल रहा है, यानी जगह नहीं मिल रही। इसका मतलब मैं आपको आंसर में समझाऊंगा। तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है दोस्तों, यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा इसमें कुछ समझने वाली बात है नहीं, सिर्फ टाइम और स्पेस आपको समझना है और आप आंसर के साथ इसको समझ ही लेंगे। तो आइए अपना आंसर फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इसे सिलेबस में देखना होगा कि कहाँ से रिलेटेड है ये। तो दोस्तों, इंडियन सोसाइटी में एक सेक्शन है रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेंस ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशूज़ पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इशूज़ अर्बनाइजेशन देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रिमेडीज़। यहाँ पर दोस्तों, जो इसमें रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेंस ऑर्गेनाइजेशन है, इससे दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट रिलेटेड टॉपिक है। इसके अलावा पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशूज़ में भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आइए अब अपना आंसर शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हमारे देश की महिलाएं हैं वो सोशो कल्चरल इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल चैलेंजेस फेस कर रही हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं हुई है। हमारा जेंडर गैप इंडेक्स में जो रैंकिंग है काफ़ी कम आती है, गिरती जाती है, इससे भी ये साबित होता है। इसके अलावा आप सोसाइटी के लेवल पर भी इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों, इन चैलेंजेस को दो तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, एक तो टाइम के अगेंस्ट और एक स्पेस के अगेंस्ट। ऐसा माना जाता है कि महिलाओं को जो रिक्वायर्ड टाइम चाहिए डेवलपमेंट के लिए, वो जो है एक तरीके से हमारी सोसाइटी में जो पुरुष हैं उनसे कम मिलता है, यानी जो मनुष्य जो मेल है उससे कम मिलता है। उसके बाद से दोस्तों, रही बात स्पेस की यानी जगह की, वो भी कम मिलता है। तो आइए दोस्तों, देख लेते हैं कि टाइम कैसे एक तरीके से कम मिलता है अपने आप को पूरा पोटेंशियल बनाने के लिए, एम्पावर करने के लिए, और स्पेस कैसे कम मिलता है। एक तो दोस्तों रीज़न है बायोलॉजिकल रीज़न कि उन्हें दोस्तों प्रेग्नेंट होना पड़ता है। और दोस्तों, दूसरी जो कमी है वो हमारे देश में कमी है, हमारे देश के सिस्टम में कमी है, यानी कि रिसोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, मॉर्टेलिटी रेट जो है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, वो बढ़ जाती है। अब दोस्तों, जब उनको प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो इस प्रोसेस से गुजरने के बाद, यानी प्रेग्नेंट होकर एक तरीके से डिलीवरी के बाद उनको जो रिकवर होना होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और दोस्तों, ये जो टाइम है वो बढ़ जाता है और एक तरीके से अपने डोमेस्टिक कोर्स की वजह से, यानी जो घर के कामकाज होते हैं उन्हीं की वजह से दोस्तों उनको टाइम नहीं मिल पाता। तो एक तो बायोलॉजिकल प्रोसेस उनके लिए ये टाइम की रिक्वायरमेंट होती है वो बढ़ा देता है, और दूसरी तरफ जो उनके डोमेस्टिक कामकाज होते हैं, घर के कामकाज होते हैं, वो उनको उतना टाइम देने नहीं देते, जिस वजह से दोस्तों उनको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। इसके अलावा दोस्तों, जो गर्ल चाइल्ड होती है, यानी एक तरीके से जब लड़की पैदा हो जाए तो उसका जो न्यूट्रिशन और हेल्थ केयर है उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता रूरल एरियाज़ में, जिसकी वजह से मॉल न्यूट्रिशन और अनेमिया होता है, इस तरीके की बीमारियाँ जो हैं वो उन गर्ल चाइल्ड्स में पाई जाती है। इसकी वजह से दोस्तों देखिए, जब बीमारी हो गई तो उसको रिकवर होना, फिर एक तरीके से टाइम की ही बात आ जाती है कि उनको वो टाइम नहीं मिल पाता। एक फिट बंदा है उसको 2 घंटा दिया जाए और एक अनहेल्दी बंदा है उसको कोई काम करने के लिए 2 घंटा दिया जाए, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक्चुअली उनकी प्रोडक्टिविटी पे फ़र्क पड़ेगा। और यहाँ पर भी दोस्तों, वुमेन को चाहे वो बच्ची हो चाहे एक तरीके से प्रेग्नेंट लेडी हो यानी एज्ड लेडी हो यानी बड़ी लेडी हो, दोनों को ही अपने राइट्स के लिए यहाँ पर सफ़र करना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ और भी वुमेन के कोर इश्यूज़ हैं, जैसे कि दोस्तों उनको एजुकेशन फैसिलिटी है वो उनकी सही, एक तरीके से सही एजुकेशन नहीं मिल पाता। यहाँ पर कुछ तो हैं, क्लासेस अटेंड नहीं कर पाती,
क्योंकि उनकी एक टाइम कंस्ट्रेंट होता है, उनको अपना घर का काम करना पड़ता है। उसके अलावा दोस्तों जो अर्ली मैरिज हो जाती है उस वजह से भी दोस्तों जो गर्ल चाइल्ड हैं उनकी जो एक तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कम हो जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों जब उनको मान लीजिए कहीं वो काम करती हैं तो उनको घर आने में डिले हो जाता है, तो वो एक तरीके से वो कुछ घर से बाहर रह के कुछ काम करना चाहें लेट नाइट तक तो वो भी नहीं कर पाती, क्योंकि फिर उसके बाद से आप देख ही सकते हैं सोसाइटी का क्या हाल है। तो उनका जो टाइम है वो ऑटोमेटिकली हमारे इस एनवायरनमेंट की वजह से कम हो जा रहा है। तो दोस्तों आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर टाइम का क्या मतलब है। अब दोस्तों अगर स्पेस की बात की जाए तो आप देख सकते हैं दोस्तों स्पेस के लिए भी वुमन को काफ़ी कुछ सफ़र करना पड़ता है, जैसे कि दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हो गई। वहाँ पर दोस्तों जो वुमन फ्रेंडली एक तरीके से लोगों का एटीट्यूड होना चाहिए वो नहीं होता, प्लस उसके बाद से दूसरी भी उनको चैलेंज फेस करने पड़ते हैं, उनके लिए वो फ्रेंडली नहीं होता। अब तो थोड़ा बहुत मेट्रो आ चुका है और DTC में कुछ एक तरीके से कुछ मतलब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं तो सिचुएशन सुधरी है, लेकिन अभी भी दोस्तों जो रूरल एरियाज़ हैं और जो Tier 1 Tier 2 इस तरीके की जो सिटीज़ हैं उनमें इस तरीके की समस्याएं आज भी देखी जाती हैं। साथ ही दोस्तों आपको पता ही है कि वर्क प्लेस में वुमन सेफ्टी एक क्रिटिकल इशू बना पड़ा है, वहाँ पर भी कई तरीके की समस्या उनको फेस करनी पड़ती है। वहाँ कुछ नो टच पॉलिसी या इस तरीके की पॉलिसी अप्लाई करके इस चीज़ को काउंटर किया जा सकता है, लेकिन फिर भी जो है एक तरीके से वहाँ पर भी सेफ़ एनवायरनमेंट उनके लिए नहीं रहता। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम लेजिस्लेटिव बॉडीज़ और गवर्नेंस की बात करें तो यहाँ पर भी इनका पार्टिसिपेशन कम है। तो आप देखेंगे कि जहाँ कहीं भी स्पेस मिलना चाहिए औरतों को वो नहीं मिल पा रहा। आप खुद ही देखिए UPSC में 2 या 3 साल से पहले जो है भले फर्स्ट रैंक पर जो है लड़कियाँ आ रही थी, लेकिन अगर आप देखेंगे उसका डाटा तो 1000 में से 100 150 200 250 मैक्सिमम ही लड़कियां IAS या एक तरीके से UPSC में वो सेलेक्ट होती हैं, बाकी सारे लड़के ही होते हैं। तो ये जो ऑटोमेटिक जो सिस्टम बना है उनको बराबर टाइम ना मिल पाना, स्पेस ना मिल पाना, ये सारी चीज़ें ना उनके एक तरीके से एफर्ट्स को काफ़ी एक तरीके से काउंटर कर दे रहा है, वो ठीक से अपना एफर्ट्स नहीं लगा पा रही, इस वजह से दोस्तों वो एक तरीके से काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन फेस कर। और दोस्तों इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए UPSC ने ऐसा क्वेश्चन डिज़ाइन किया ताकि जो एटलीस्ट एस्पायरेंट हैं वो इन इशूज़ के बारे में समझे जाने और एटलीस्ट लोगों के साथ शेयर करें इन इशूज़ को, ताकि एक तरीके से ये सारी चीज़ें रुक सके और जो जेंडर पार्टिसिपेशन है, जेंडर सेंसिटिविटी है, वो सोसाइटी में बढ़ सके। तो दोस्तों अब ये हमारे इस लेक्चर का एंड है। आई होप हमने इस लेक्चर को ठीक से कवर किया होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।